आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को लूटने वाले चार शातिर बदमाशों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने बदमाशों के साथ उस ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया है जो इन बदमाशों से लूट का माल खरीदता था। मंगलवार को आगरा की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सदर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिर बदमाशों के नाम दीपेंद्र, कुलदीप, मनोज, सोनू और रिंकू है। बताया जा रहा है कि ये शातिर सुबह ही वारदातों को अंजाम देने निकलते थे। ये गिरोह पर्ची खींचने के नाम पर लोगों को अपने जाल में उलझा लेता और फिर उनसे नकदी और सामान लूट कर फरार हो जाता। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 मोटरसाइकिल और 65,000 की नकदी बरामद की है। सीओ सदर का कहना है कि बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। एक सुनार अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आज सुबह सौदागर लाइन में 7 बजे इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक लूट का भी गैंग है और टप्पेबाजी का गैंग भी है। ये शुरुआत में इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है क्राइम करने का, उस मॉर्निंग वॉक पे आने वाले लोगों के साथ है। ये सुबह ही अपना बाइकों से निकल जाते हैं और इनके पास एक कंपनी का बॉक्स होता है जिसमें कुछ पर्चियाँ रखी रहती हैं और ये उन्हें लालच देते हैं कि आप एक पर्ची निकालेंगे तो इसकी आपकी लॉटरी निकल जाएगी। साथ में पड़ोस में इनका एक साथ पार्टनर साथ ही खड़ा रहता है, वो पर्ची निकाल के दिखाता है, उससे फिर पैसे देते हैं। देखिए इनकी 10 रुपये की लॉटरी में 5 रुपये निकले हैं, इस तरीके से लालच देते हैं। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं और उनकी अंगूठी उतरवा लेते हैं, चैन उतरवा लेते हैं। यदि उसमें ये सफल नहीं रहते हैं तो फिर ये चैन अंगूठी छीन के भाग जाते हैं। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी मॉर्निंग टाइम पर, ये सप्ताह में केवल 5 दिन करते थे, शनिवार और संडे को लॉकडाउन होने की वजह से ये नहीं करते थे। पकड़े गए आरोपी पेशेवर बदमाश हैं। ये बदमाश हफ्ते में 5 दिन लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। शनिवार इतवार को लूटी गई रकम की ऐश मौज करते थे। ऐसे में पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पहले भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में बदमाश जेल भी जा चुके हैं।